अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साथी और आप देख रहे हैं नेचर विस्पर्स। आज मैं आपसे 23 मार्च और जश्न बहारा के हवाले से हुकूमत पंजाब ने जो लाइटिंग की हुई है, बरके कुमकमे लगाए हुए हैं, मैंने कहा चले मैं जो जर्नी स्टार्ट कर रही हूं उनको देखने के लिए आपको भी साथ ले चलूं। तो चले चलते हैं, हम जाएंगे गुलबर्ग जेल रोड की तरफ। तो रस्ते में होगी बारिश शुरू, बहुत ही खुशगवार मौसम था। मार्च में वैसे भी मौसम खुशगवार होता है, लेकिन सर्दी ने थोड़ी सी बारिश ने सर्दी में और इजाफा कर दिया, थोड़ी सी हुनकी हो गई हवा में, लेकिन बहुत मज़ा आया। हमने बारिश को भी इंजॉय किया और जो लाइटिंग थी उसको भी इंजॉय किया। हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है। लास्ट ईयर का जश्न बहारा भी हमारा कोविड-19 के नज़र हो गया और इस साल का भी जश्न बहारा कोविड-19 की नज़र हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला साल कोविड-19 से बिल्कुल पाक हो। हम सब हिफ्ज़ो अमान के साथ आने वाला जश्न बहारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। लेकिन अगर आप अभी घर वालों के साथ बाहर जाते हैं जश्न बहारा की ये लाइटिंग देखने के लिए, तो काइंडली आप गाड़ी के अंदर ही बैठ के देखिएगा, बाहर रश मत कीजिएगा। मैं कल जब गई तो लिबर्टी चौक पे बहुत ज़्यादा रश था, लोगों ने वही रोड पे गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी और वो अंदर चले गए हुए थे वहाँ पे चौक में जो लाइटिंग हुई हुई थी उसको देखने के लिए, रश हो गया था। तो काइंडली जब आप जाएं तो आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही देखें, क्योंकि आपके साथ बुज़ुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखें। हुकूमत पंजाब ने भी यही कहा हुआ है कि काइंडली आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखें और उसको